दो दिन से टाइगर 2303 के आगे बढ़ने की गति थोड़ी सी धीमी हो गई है। बुधवार 31 जनवरी को टाइगर की नई लोकेशन अलवर जिले के गांव सामधा में मिली है। यह जगह सोडावास और हरसोरा कस्बों के लगभग मध्य में है। यहां पर पगमार्क मिलने के बाद लोगों को सावधान कर दिया गया है। सरिस्का से आई वन विभाग की टीम ने आसपास के लोगों को सावधान किया है। जिस स्थान पर नए पगमार्क मिले हैं वहां से जंगल लगभग 15 किलोमीटर दूर है। यह जंगल सरिस्का का मूल जंगल नहीं है बल्कि उसके पास का बाहरी जंगल है। ऐसा माना जा रहा है कि इस जंगल में घुसने के बाद मानव आबादी के लिए खतरा टल जाएगा, लेकिन यह बाघ के मिजाज पर निर्भर करता है कि वह कितनी तेजी दिखाता है या फिर मस्त चाल चल कर सरसों के खेतों में ही समय बिताता है। सोमवार तक इस बाघ यानी टाइगर की जो मूवमेंट थी उस हिसाब से इसे मंगलवार तक सरिस्का के बफर जोन में पहुँच जाना था, लेकिन अभी इसकी आगे बढ़ने की गति कुछ धीमी है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के रेंजर शंकर सिंह सेखावत के नेतृत्व में वन विभाग की टीम इस टाइगर के मूवमेंट पर पूरी निगाह रखे हुए है। यहाँ यह बता कि अपनी नई टेरिटरी बनाने के चक्कर में यह बाघ पिछले 3 महीने से भटक रहा है। किसी दूसरे मेल टाइगर के धकियाने पर अपनी नई टेरिटरी बनाने के लिए मजबूर हुए इस टाइगर का आगमन एक पखवाड़ा पहले रेवाड़ी जिले के साहबी से सटे गांव निखरी तक हुआ, लेकिन यहां से यह बाघ वापस लौट गया। यह टाइगर सोमवार को भैरोड से आगे दिल्ली जयपुर हाईवे पर सोतानाला के पास एक महिला पर घुसाया था, जिसे सरसों में घास खोद रही महिला बेहोश हो गई थी। इससे पूर्व यह बाघ 18 जनवरी को भिवाड़ी के पास खुसखेड़ा क्षेत्र में एक किसान पर और 21 जनवरी को सरिस्का की रेस्क्यू टीम पर हमला कर चुका है। किसान और रेस्क्यू टीम का वनकर्मी अब पूरी तरह से ठीक है। सरिस्का के उपनिदेशक देवेंद्र प्रताप जगावत खुद पूरे मामले को देख रहे हैं। टाइगर के बारे में और नई जानकारी पाने के लिए देखते रहिए एनजेपी इंडिया और एनजेपी हरियाणा। नमस्कार।